देखिए x is incomplete. Good morning student. Our topic is type of linkages. इसके टॉपिक में हमने complete linkages पढ़ा था. इसमें हम incomplete linkages study करेंगे. देखिए incomplete linkages. ये कहता है कि linkage is incomplete. Incomplete है when new nya or no parental recombination. अगर यहां पर linkage incomplete है तो no parental recombination of link signals form. Parental correct recombination are linkage also form यानी non parental correct यानी combination या recombination बना है combination या recombination बना है. यहां पर क्या होगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, क्रॉसिंग ओवर यहां पर उपस्थित होगा. इसमें जो डाई हाइब्रिड रेशियो होगा वो लेस देन होगा. मीन्स इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को छोड़कर यहां पर लेस देन रेशियो होगा. जो रिकॉम्बिनेशन टाइप में है चार में से 25% शो यानी जो फोर टाइप है वो 25% फोर टाइप है वो 25% शो होगा. जबकि रिकॉम्बिनेशन भी 25% शो होगा. रिकॉम्बिनेशन भी 25% होगा. पेरेंटल टाइप वो भी 25%. इसका मतलब सारे 25 हो रहे हैं. ये क्या होगा, लेस देन 25% शो करेगा. आप देखिए मैं इसको एग्जांपल के लेकर समझा रहा हूं आपको. एग्जांपल के तौर पर इसको अलग अलग हम लेते हैं. देखिए अब हमारे पास वही दो जीन है, पहले इसको लेकर करते हैं ए और बी. इसमें भी हमारे पास वही होमोलोगस क्रोमोसोम है, ए एंड बी होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए. अब यहां पर मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि ये आपस में पेयरिंग करेंगे. ये मेटाफेज के अंदर ये आपस में पेयरिंग करेंगे. मेटाफेज में आपस में पेयरिंग आप देखिए इन्होंने आपस में पेयरिंग शो की. यहां पर आपस में पेयरिंग शो की ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी. यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी. अब यहां पर देखिए स्मॉल ए था, यहां पर कैपिटल ए, ये दोनों पेयरिंग शो कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं. अब यहां पर देखिए क्रोमोसोम नंबर में बदलाव आया. अब देखिए यहां पर जमीन ये पेयर हो जाएगा हेटरोलोगस कैपिटल ए कैपिटल बी.
कैपिटल ए स्मॉल बी, देखिए चेंज हो गया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरा जो पेयर बना है वो कैसा है, दूसरा पेयर बना स्मॉल ए स्मॉल बी और यहां पर हो गया स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, जबकि कंप्लीट लिंकेज के अंदर ये चीजें शो नहीं हो रही थी। अब देखिए यहां से क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे गैमेट, यहां से गैमेट बनेंगे, यहां से बनेंगे गैमेट और यहां से जो गैमेट बनेंगे वो क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, देखिए मैं इसका बनाऊंगा, ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ये क्लियर पूरा, ये गैमेट ये बना, ये गैमेट ये बना, दूसरे का बनेगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका बना स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, जबकि उसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी था, स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी था, ये गैमेट बने जिसमें नॉन पेरेंटल टाइप भी कॉम्बिनेशन शो हुआ, इसे कहा गया इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से ये रहा। अब मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। देखिए इसका मैंने सेम एग्जांपल लिया है, रेड आई नोबल विंग्स पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्स, सेम एग्जांपल लिया है। अब इसका हम गैमेट बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, गैमेट बना पी वी पी, इसके गैमेट बने स्मॉल पी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एफ वन, एफ वन जनरेशन में जाएंगे, एफ वन जनरेशन में ये स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल एज इट इज सेम, एज इट इज सेम, ये बने हमारे पास रेड आई नॉर्मल वेव्स हेटरोजाइगस कंडीशन, हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस कंडीशन में सेम है रेड आई नॉर्मल वेव्स और ये सारे वही बने। अब मैं इसमें टेस्ट क्रॉस करता हूं डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करेंगे तो देखिए हम ये लेंगे पी पी वी और स्मॉल, ये हमने लिया प्योर प्योर रिसेसिव, ये इसके गैमेट बनेंगे, इसके गैमेट बना पी पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल, ठीक है इसके चार बने, इसके आगे दो ही बनेंगे स्मॉल बी, ये हमारे पास फीमेल है ये हमारे पास मेल है, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, देखिए अब इसकी क्रॉस यहां करेंगे पी वी पी वी, चलो मैं पूरा ही करता हूं पी पी कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल, सेकंड इसके साथ कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल, अब इसका इसके साथ स्मॉल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसका इसके साथ स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, ये देखिए रेशियो हमारे पास अलग आएगा, देखिए हम एक 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 एक, ये हमारे पास नाइन आएंगे, ये एक आएगा ये भी एक आएगा ये एक डालेंगे, ये हमारे पास डाई हाइब्रिड रेशियो, हमने क्या कहा था कि डाई हाइब्रिड रेशियो लेस देन एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को छोड़कर ये डाई हाइब्रिड रेशियो भी पूर्ण रूप से शो नहीं करता, एक आया हमारे पास नाइन आए रेड नाइन आए रेड आई नॉर्मल विंग्स, नाइन आया हमारे पास रेड आई नॉर्मल विंग्स, एक हमारे पास ये आया ये
एक हमारे पास आया रेड आई, वेस्टिजियल विंग्स। ये हमारे पास आया पर्पल आई, नॉर्मल विंग्स, क्योंकि देखिए ये पर्पल ये पर्पल है और ये वी इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल को, इसलिए यहां पर अलग अलग इंडिकेशन हो रहा है। ये एट आए हमारे पास, ये एट आए पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग्स। तो देखिए ये रेशियो बिल्कुल अलग था, हमने सेम उसी तरीके से किया था जिस तरीके से कंप्लीट में किया था। तो यहां पर ये इनकम्प्लीट शो कर रहा है क्योंकि बीच में दो कॉम्बिनेशन आए हैं, वहां पर किसी भी टाइप का कोई कॉम्बिनेशन रेशियो नहीं था, 1:1 था। यहां पर 9:1:1:8 आया है। और भी एग्जांपल है जो अलग अलग चीज को शो करते हैं, जैसे ड्रॉस ओपिला है, स्वीट पोटैटो है, ये सारे इनकम्प्लीट को शो करते हैं, उनका रेशियो भी यही है। ड्रोसोफिला मेलेनिक्स जो है उसका रेशियो सेम 9:1:1:8 आता है। ड्रोसोफिला मेलेनिक्स जो है सेम रेशियो आएगा, जबकि स्वीट पोटैटो है उसके अंदर रेशियो आता है 7:1:1:7। ये रेशियो आता है 7+7 1+1 रिकॉम्बिनेशन टाइप शो।